अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ केकी ब्राउनी। ये एक छोटा सा मैं केक बनाऊंगी बच्चों के लिए और इसके बड़े आसान से इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं। इसमें यहाँ पे मैंने लिया 100 ग्राम मैदा है, 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर है, 2 टेबलस्पून मिल्क है, यहाँ पे 2 एग्स हैं, 100 ml ऑयल है, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 100 ग्राम शुगर ली है। अब ये सारा काम एक ही बाउल में होने वाला है। चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है एक बाउल, इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ एग। इसमें मैं बीटर का यूज नहीं कर रही हूँ और शुगर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। चलें एग और शुगर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसी में जाएगा ऑयल और वनीला एसेंस 1 टीस्पून के पास जाएगा। और मिल्क जाएगा। चले इन सब चीजों को, जितनी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स थे उन सबको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसमें मैंने बीटर वगैरह का यूज नहीं किया है क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ये केक बनाना था और ये बड़ा अच्छा बनेगा इस तरीके से भी। अब इसी में जा रहा है बेकिंग पाउडर, कोकोआ पाउडर और मैदा। अब मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ फिर पैन में डालती हूँ। चलें ये मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं पैन में डालती हूँ और फिर मैं इसे 180 पे 15 से 20 मिनट तक बेक करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। केक रेडी होके आ गया है, 20 से 25 मिनट लगे हैं इसे बनने में। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1/2 कप चॉकलेट चिप्स ले रही हूँ और 1/2 टेबलस्पून के पास है बटर। अब इनको माइक्रोवेव करूँगी 30 सेकेंड के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने पैन में से निकाल लिया और ये मैं निकाल रही हूँ इसका, कितना अच्छा ये बेक हुआ है सॉफ्ट। ये ज़रा जल्दी जल्दी बनने वाला केक है क्योंकि मुझे अचानक से बच्चों ने बोला कि आज सैटरडे है तो हमें कुछ बना के दें, तो मैंने ये केकी ब्राउनी इन लोगों के लिए बना रही हूँ। अब इसको मैं कट नहीं करूँगी सेंटर से, इसके ऊपर वैसे ही मैं चॉकलेट जो फ्रोस्टिंग बनाई है मैं आपको दिखाती हूँ, वो बस पोर करके बच्चों को बस जल्दी जल्दी दे दूँगी। मेल्ट किया था और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून के पास मिल्क डाला। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ये लिक्विड ही फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद मैं केक पे डाल दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे केक पे डालना। चलिए इसको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रखती हूँ, थोड़ा सा ये सेट हो जाएगा फिर मैं इसकी प्लेट चेंज करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए ये ब्राउनी केक रेडी हो गया है। इसकी मैंने अंदर से फ्रोस्टिंग वगैरह नहीं किया, सिर्फ इसके ऊपर ही मैंने फ्रोस्टिंग की है इसकी। और आसान सा मैंने तरीका इसमें इस्तेमाल किया है क्योंकि बच्चों के लिए मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, तो इसकी मैंने बिल्कुल सिंपल सी लुक रखी है। आप लोग जिस तरीके से चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं और ये जल्दी जल्दी बनाने के लिए बहुत अच्छा है, विदाउट बीटर आराम से बन जाता है। चलिए आपको मेरी रेसिपी और मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा।